सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 नमस्ते दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ मैनेजमेंट एसोसिएशन फाउंडेशन की ओर से दोस्तों हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं आज चौतीसवा सेशन है हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और आज हम तृतीय वल्ली का मंत्र से शुरू करेंगे हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है हम लोग चर्चा कर रहे हैं यम और नचिकेता के मध्य हुए उस संवाद की और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उस संवाद से जो सदियों पहले इस धरती पे हुआ हम लोग क्या सीख सकते हैं यमराज क्या नगेट्स हमें बता रहे हैं जीवन के बारे में वातावरण के बारे में और अपने लक्ष्य के बाद चलिए आगे पढ़ते हैं कठोपनिषद द्वतीय द्वितीय वल्ली प्रथम द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का श्लोक दस श्लोक का अर्थ हम पढ़ते हैं आपके लिए जो तत्व इस देह आदि में है वही अन्यत्र भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है यत एव इह तत् अमुत्र यत्र अमुत्र तत तत्वी जो मनुष्य इस तत्व में नाना तत्व को देखता है वह एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है मृत्यो स मृत्युम आपनोति यह इव नानेव पश्यति जो इस एक तत्व में नाना तत्व को देखता है वह एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है हमारा बस चले तो यूनाइटेड नेशंस के लोगों के नीचे यही मंत्र लिखवा दिया जाए चलिए मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं जो तत्व इस देह आदि में है वही अन्यत्र भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें भी है चैटबॉक्स में लिख के बताएंगे यमराज क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं अब तो ये क्वालिफाइड बैच है हम पर निर्भर नहीं करती मी नो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन जो तत्व इस देहादि में है वही अन्यत्र भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है गो गोहैट व्हाट डू कॉन्शियसनेस अलोन इज वेरी नाइस कीप राइटिंग अब धीरे धीरे आप लोग खुद डी करने लगे हैं अद्वैत यहां यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड बहुत अच्छा चेतना बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक्सिलेंट गोइंग गुड इवन मटेरियल बॉडी इज लिखने से कई फायदे होंगे गलत लिखेंगे तो हम आपको बताएंगे और टेक्निकली गलत है जो आपने लिखा है ठीक है अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए ना लिखना नुकसानदायक होता है गलत होना फिर बेहतर होता है ताकि आप जान सकें कि आपको सुधार करना है बहुत अच्छा अद्वैत और द्वैत की यहां चर्चा हो रही है कहने का शायद प्रयास यह है कि अद्वैत अमृत है और द्वैत मृत्यु है चलिए इसको और गहराई से समझते हैं जो तत्व इस देह आदि में है वही अन्यत्र भी है याद कीजिए गीता अध्याय दस श्लोक बीस हे गुडाकेश मैं समस्त भूतों में स्थित उनके हृदय में स्थित हूं तैतरी उपनिषद थ्री पॉइंट वन जीरो पॉइंट सिक्स मैं भोजन हूं मैं ही भोक्ता हूं जो यहां है वही वहां है जो वहां है वही यहां है तत्त्वम असी तुम वही हो जो वहां है और वो वही है जो यहां है कब ये बात कही जा रही है जब जब हम उपनिषद पढ़ते हैं हम चौकते ये सोच के हैं, ये बातें कहीं कब गई हैं? पांच हजार साल पहले लगभग साढ़े चार पांच हजार साल पहले देश में इस तरह के मनीषी हुए जिन्होंने वेदों का सृजन किया और वो सृजन चलता रहा वेदों को जिन्होंने देखा जिनको जिन्हों मंत्र दृष्टा कहते हैं और वो सुरजन चलता रहा लगभग 1800 बीसी तक इसका मतलब उपनिषदों में लगभग जो कुछ है वो न्यूनतम तीन हजार वर्ष पुराना तो है ही आगे देखते हैं क्या मतलब है इस बात जो तत्व इस देहादि में है वो अन्यत्र भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है चलिए फिजिकली समझने का प्रयास करते हैं फिजिक्स ने ये बात हमें समझाया कि बिग बैंग थ्योरी ने इस बात को समझाया कि पूरी सृष्टि एक बिंदु से उत्पन्न हुई है जिस से सब कुछ बना है चौदह बिलियन साल पहले से एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस स्टेट से हम सब की शुरुआत हुई इसका क्या मतलब है सबका स्रोत एक ही है हम सब उसी पुंज से निकले तो चूंकि निकले सब उसी से हैं तो जो वहां है वो यही है वही रॉ मटेरियल है उससे चीजें अलग अलग बनी है हम भी उसी से बने हैं ये पूरी यूनिवर्स भी उसी से बनी प्लैंगलॉबरेशन दो हजार की रिपोर्ट है दूसरा तरीके से समझे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस सिंथेसिस से समझे जो स्टेलर स्टार्स के बारे में जो रिसर्च होती है वो ये बताती है कि एलिमेंट्स जितने भी हैं आर फॉर्म इन द कोर ऑफ स्टार्स तारों के गर्भ में ये सारे एलिमेंट बनते हैं कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन से फिर जब तारे फूटते हैं सुपरनोवा जिसको कहते हैं तो ये पूरे एलिमेंट पूरी विश्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स फिर क्या होता है फिर धीरे धीरे ये फिर से एक साथ आते हैं और नए तारे बनते ये जो फैला हुआ पूरा मटेरियल है ये फिर इकट्ठा हो जाता है और इस नए तारों के रूप में पौधा आते हैं फिर जीवन आता है तो हम लोग हैं क्या हम लोग स्टार स्टफ हैं। वही तारों की धूल है जो ब्रह्मांड में तैर रही है उससे हम अलग नहीं है बस रूप अलग है यही उपनिषद कह रहे हैं और यही आज का विज्ञान कह रहा है स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस आप और पढ़ना चाहें सो so ये बर्ज़िज़ ने 1957 की रिसर्च से बताया है जो अभी हमने आपको शेयर किया तीसरे तरीके से इसी को समझ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से समझते हैं चलिए ऑल लाइफ ऑन अर्थ शेयर्स कॉमन एनसिस्टर धरती पे जितना जीवन है हम सबका एंसिस्टर एक है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है अब याद कीजिए हमारी पुराण में कहानियां नहीं पढ़ी हमने कि देव दानव सांप धरती पर रेंगने वाले उड़ने वाले हर तरह के जीव कजिन हैं एक दूसरे के एक ही पिता है हम सब के कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराणों में कहानियां आती कि हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं अलग अलग माताओं से पिता वही ब्रह्म माता प्रकृति अलग अलग माताओं से हम प्रकट हो गए एक ही पिता के पुत्र हैं पुराणों में कहानी बार बार आती है पुराणों में नहीं लिखा गया कि पशु हमारी सेवा के लिए बने ऐसा कहीं नहीं वो तो इनफैक्ट हम सेवा करें तो और बेहतर है यह जरूर लिखा गया कि हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं सो डार्विन ने 59 में ये रिसर्च करी और डार्विन ने कहा ऑल लाइफ ऑन अर्थ शेयर्स कॉमन एंसेस्टर्स सपोर्टेड बाय जेनेटिक एविडेंस उसने कहा मैं जेनेटिक एविडेंस से ये बात प्रूव कर सकता हूं कि हम सबके पिता एक हैं जो पुराणों में कहानियां हैं ठीक क्रिक ने 1968 में ये बात फिर से दोहराई ऑल लिविंग organisms share द सेम बेसिक डीएनए कोड इसको कहा जाता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ डीएनए कोड हम सबका डीएनए कोड एक है जितने धरती पे जीव है वो कॉकरोच जिससे आपको इरिटेशन होती है वो छिपकली जो आपको विभत्स लगती है उससे लेके आप स्वयं तक एक डीएनए कोड है वी हैव द सेम सिस्टम डीएनए कोड का क्या मतलब हुआ एक ही सिस्टम है जो हमारे अंदर चलता है थोड़ा बहुत अलग सिस्टम किस चीज का स्टोरिंग एंड इंटरप्रिटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसी सिस्टम से जनरेशन बाय जनरेशन इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं डीएनए के फॉर्म में जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं सारे डीएनए क्या है डीएनए किताब है जिसमें लिखा है हमारे शरीर बनेगा कैसे हम बनेंगे कैसे हम मेंटेन कैसे होंगे सब उसमें लिखा है हमारी गाइड है उसी हिसाब से हम बनते जाते हैं प्रोटीन और वो मैनिफेस्टेशन से सो जेनेटिक कोड क्या है जो हम सब में एक जैसा है ए टी सी जी इसको हम पहले पढ़ चुके हैं तो अगर एक दीवार मान ले इंसान के व्यक्तित्व को तो, या तो जो ए टी सी जी है ये अलग अलग रंग की ईटे हैं उससे हम पूरे बने ठीक तो हमारा डीएनए जो है वो ए टी -सी -जी से बना है और डीएनए से हम सब बने तो ह्यूमन भी ए टी -सी -जी से ही बना है जेनेटिक कोड उनका भी वही है प्लांट भी एटीसीजी है बैक्टीरिया भी ए टी -सी -जी है फंगी भी ए टी -सी -जी है एनिमल भी ए टी -सी -जी है ये सब तो छोड़िए वायरस्पक एटीसीजी है जो वायरस से हम घबरा जाते हैं ऑल लिविंग बींगीसीजी इन डीएनए वही चार तरह की ईट है चार रंग की दे आर जस्ट इन डिफरेंट ऑर्डर बस अंतर यह है किसी में ये ईट पहले लगी है किसी में ये रंग की ईट पहले है बस वो थोड़ा सा ऑर्डर बदल गया हम इंसान है वो बंदर है वो वायरस है वो एनिमल है वो बैक्टीरिया है वो प्लांट है बस इतना सा है इसका क्या मतलब जो यहां है वही पौधों में है बहुत सारे संप्रदायों में बहुत सारी विचारधाराओं में पशुओं को और प्लांट्स को जीवित माना ही नहीं गया था पर उपनिषदों ने शुरू से कहा ऑल बींग्स इसमें प्लांट्स भी हैं पशु भी हैं जो यहां है वही वहां है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी इस बात को प्रूव करती है हमने सोचा कि थोड़ा और इस पर रिसर्च करके देखें इवन एटॉमिक थ्योरी जब आप पढ़ते हैं चौथा एविडेंस दे रहे हैं आपको उपनिषद पे, ऑल मैटर्स आर कंपोज ऑफ एटम्स हम सब ही एटम्स से बने एस हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन इन एटम्स को से सब कुछ बन गया प्राइमरली सो एटॉमिक थ्योरी भी यही बात कहती है आप रॉडिट टेबल पढ़ लीजिए सेम एक सौ अट्ठारह एलिमेंट है विच इज फाउंड थ्रू आउट द यूनिवर्स कुछ और हम डिस्कवर कर लेंगे और वो सेम है हर तरफ सो द पॉइंट इज़, भले प्रोडिक टेबल कह लें एटोमिक टेबल कह लें सब एक ही तरफ इशारा करती है कि हम सब एसेंशियली एक ही सोर्स से आए बायो केमिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे जो लोग बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं ऑल लाइफ फॉर्म्स यूटिलाइज द सिमिलर बायोमोलिक्यूल्स हम सब उन्हीं तरह के बायोमेलिक्यूल्स को यूज करते हैं प्रोटीन्स लिपिड इन सब और गहरा उतरे तो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाए आई एम जस्ट सपोर्टिंग वॉट उपनिषद सेट विथ वॉट साइंस हैज़ टू से टूडे एनीबडी क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वॉट इज योर अंडरस्टैंडिंग राइट डाउन इन चैट बॉक्स क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स हमारी आवाज पहुंच रही है आप सबसे अच्छा ठीक है आवाज पहुंच रही है ठीक है एवरीथिंग इज वेव्स स्टडी ऑफ फिजिक्स एट माइक्रोलेवल वाइब्रेशन ए वेव थ्योरी वेव और एनर्जी बहुत अच्छा क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, उनसे भी छोटे उनके बिहेवियर को स्टडी कर है वो भी फिजिक्स नॉर्मल फिजिक्स इसके बिहेवियर को स्टडी करती है इसको छोड़ेंगे तो गिर जाएगा क्वांटम फिजिक्स ये जिससे बना है वो एलिमेंट्री लेवल पे जाके वो जो बिल्कुल टाइनी पार्टिकल है जिससे बना है इलेक्ट्रॉन से या जो तो भी उसके बिहेवियर को स्टडी जो करता है उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं अब क्वांटम मैकेनिक्स ने भी जब पढ़ना चालू किया तो वो भी चौक गया ये देखते हुए कि ये तो सॉलिड है हम छू सकते हैं। ठीक पार्टिकल पार्टिकल का मतलब सॉलिड चीजें जो है क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्मॉल सॉलिड चीजों को पार्टिकल कहते हैं तो ये पाया गया टाइनी पार्टिकल्स कैन बिहेव बोथ लाइक पार्टिकल्स और वेव्स यहां तो ये यह सॉलिड है वेव जैसा नहीं है देखिए छू सकते हो सॉलिड है पर जब आप इसके इलेक्ट्रॉन पे स्टडी करेंगे तो जो टाइनी पार्टिकल है वो कई बार सॉलिड होता है और कई बार वेव जैसा हो जाता है स्प्रेड आउट एनर्जी जैसा जैसे लहरें बहती है तो डुवेल नेचर है उसका तो लोग चकित हो गए इसका मतलब जो सॉलिड है वो सॉलिड नहीं है वो कुछ भी हो सकता है वो डुअल नेचर का है वो सॉलिड भी हो सकता है वो वेव भी हो सकता है ठीक और ये जो पार्टिकल है बिल्कुल छोटे लेवल पे कैन बी इन डिफरेंट स्टेट्स एट द सेम टाइम और मजे की बात यह है वो एक ही समय दोनों भी हो सकता है ठीक है ना ये मजेदार वो जो पार्टिकल है वो कभी पार्टिकल भी हो सकता है वेव भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है वेव भी हो सकता है और वो दोनों एक साथ भी हो सकता है ठीक डिपेंडिंग ऑन हाउ वी ऑब्जर्व अगर हम देखेंगे तो वो डिसाइड करता है उसे वेव बनना है या पार्टिकल बनना है ये थोड़ा सा ऐसे समझे एक डब्बे की कल्पना कीजिए डब्बा है इमेजिन अ बॉक्स ठीक है अभी जो बॉक्स है इस बॉक्स को आप इस बॉक्स के अंदर यू यू वुड लाइक टू थिंक इस बॉक्स के अंदर जैसे एक बॉक्स है इसके अंदर एक कॉइन है ठीक है इमेजिन एक बॉक्स कीजिए उसके अंदर एक कॉइन है अब वो जो कॉइन है ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब भले लगेगा ये कॉइन एक साथ हेड और टेल दोनों दो होते हैं एट ए टाइम ठीक है इट हैज बोथ साइड्स हेड एंड टेल पर जैसे आप डब्बे में झांकते हो तो एक तरफ गिर पड़ता है या तो हेड हो जाता है टेल हो जाता है ठीक है द मोमेंट यू सी या टेल हो जाएगा बट वेन यू वॉन्ट सी तो उसमें हेड टेल दोनों रहेंगे वेव भी है पार्टिकल भी हो जाएगा जब आप देखेंगे तब तो वो बदलेगा जब आप नहीं देखेंगे तो दोनों रह सकता है इसका मतलब कायनात का जर्रा जर्रा कॉन्शियस है कि कोई उसे देख रहा है इवन एक इलेक्ट्रॉन तक कॉन्शियस है यही शास्त्र कह रहे हैं इतने गहरे स्तर पे चेतना है उसे तक पता पड़ता है कि उसे देखा जा रहा है आपको कोई देख रहा है यह पता लगना बड़ी क्रांति है इन so पार्टिकल्स को कहा गया क्वांटम पार्टिकल्स वो मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं ठीक है इसको कहते हैं सुपर पोजिशन उनकी एक पोजिशन नहीं होती उनकी दोनों -दो पोजिशन हो सकती है मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं हम ये अपनी बात चल रही है हम सबकी बात चल रही है जिनसे हम बने हैं उन्हीं की कहानियां चल रही तो जर्रा जर्रा चेतन है अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कठोपनिषद को जोड़ती है इससे अब कोई दो पार्टिकल्स है बिल्कुल छोटे क्वांटम पार्टिकल्स वो एक दूसरे से कई बार ऐसे लिंक हो जाते हैं कनेक्ट हो जाते हैं लिंक मतलब ऐसे चिपक नहीं रहे कनेक्ट हो गए ठीक है जैसे दो मोबाइल फोन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ऐसे दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ये इस तरह से लिंक्ड हो जाते हैं कि इस पार्टिकल में अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो उसमें अपने आप हो जाएगा कैन यू इमेजिन दिस एंड नो मैटर हाउ फार दे आर वो कितने ही दूर हो एक दूसरे से एक को यहां रख लीजिए दूसरे को बहुत दूर ले जाइए इसमें कुछ चेंज कीजिएगा उसमें फिर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे समझे कि दो डाइस हैं खेलने वाले ठीक है दोनों दो डाइस ट्विन हो गए एक डाइस फेको छ आएगा दूसरा अपने आप छह बन जाएगा कैन यू इमेजिन दिस इसको कहा गया क्वांटम इंटेंगलमेंट हम सारे पार्टिकल जो है वो इंटेंगल हो जाते हैं एक दूसरे से ठीक तो पार्टिकल्स जो है दे आर पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड होल इवन इफ दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसिस एक को यहां रखिए दूसरों को बहुत दूर भेज दीजिए उस पार्टिकल इतना दूर भी भेज दीजिए इसको घुमाइए वो घूम जाएगा अगर वो इंटेंगल हो गए तो द मोमेंट पार्टिकल इंटेंगल इसका मतलब हम सब आपस में कनेक्टेड होते हैं आप यहां से अमेरिका कैसे फोन लगा लेते हैं तुरंत इंटेंगल हो जाते हैं ना ऐसे पार्टिकल इंटेंगल हो जाते हैं उस पार्टिकल में कोई चेंज होगा इस पार्टिकल में महसूस होगा कौन जाने रिसर्च बाद में बताया इसी कारण टेलीपैथी काम करती है पार्टिकल्स इंटेंगल हो जाते एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन इंफ्लुएंस एवरीथिंग एल्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज इधर ये डाइस फेंका गया इस पे छे आया वो डाइस अपने आप छे हो गया यूनिवर्स की हर चीज किसी दूसरी चीज को प्रभावित करती ऐसे मान लीजिए कि करोड़ों किलोमीटर दूर दो ट्विन बॉल्स एक इधर है करोड़ किलोमीटर दूर है इसको लाल पेंट किया उसमें लाल रंग आने लगा इसमें बीमारी आई उसमें बीमारी आने लगी कैन यू इमेजिन दिस इट्स कॉल्ड इंटेंगलमेंट क्वांटम इंटेंगलमेंट हम सब जुड़े हुए हैं कठोपनिषद भी कह रहा है जो यहां है वही वहां है वो करोड़ों किलोमीटर दूर है पर स्टिल इंटेंगल्ड है अनएक्सपेक्टेड वेज में पूरी यूनिवर्स एक दूसरे को प्रभावित करती है बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट इन आइसोलेशन वो जो बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल है वो आइसोलेशन में नहीं काम करता जो हम कहते हैं मेरी मर्जी मेरी लाइफ है जो चाहूं मैं करू ऐसे नहीं होता कुछ नहीं है आपकी लाइफ हम सबकी लाइफ है जुड़ी हुई हम जो बोल रहे हैं ये एग्जैक्ट क्वांटम फिजिक्स की लाइन है द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट इन आइसोलेशन न बी अफेक्टेड बाई अदर पार्टिकल्स इवन अक्रॉस ठीक फिर क्वॉंटम फिजिक्स की एक लाइन हम कोट करते हैं और यह सुनकर भगवत गीता की एक लाइन आप कोट करेंगे है। जो आपको दिमाग में आती है क्वांटम फिजिक्स कहता है ये जो पार्टिकल्स है ऐसा लगता है कि ये आपस में एक बहुत ही स्पेशल तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे कोई एक सीक्रेट लिंक है जो इन पार्टिकल को जोड़ रखी है कि करोड़ों किलोमीटर दूर भी कोई लिंक है जो सबको जोड़ रखी है सुन के क्या याद आ रहा है भगवत गीता का कोई एक लिंक है जो इन सब पार्टिकल को जोड़ रखी है याद है कृष्ण गीता में स्पेसिफिकली कहते हैं मैं वो धागा हूं जो यस यस, यस टॉम एक्सीलेंट स्ट्रिंग बिटवीन ऑल द बीट्स मैं वो धागा हूं जो सबको जोड़ता हूं क्वांटम फिजिक्स उसको कहती है इट अपियर्स देर इज अ सीक्रेट लिंक दैट कीब्स दैम इन सिंक इवन अक्रॉस डिस्टेंसेस अभी तक हमने जो बोला सब क्वांटम फिजिक्स है यूनिवर्स इज अनएक्सपेक्टेडली एक्सट्रीमली इंटरकनेक्टेड एंड यूनिफाइड से इंटर कनेक्टेडनेस कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट के कारण जब यूनिवर्स पूरी आपस में कनेक्टेड होती है हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मैं जो सोचता हूं उससे आपको फर्क पड़ता है आपको ना पता पड़े तो भी आप जो सोचते हैं उससे हम सबको फर्क पड़ता है आपको पता ना पड़े तो भी फिर आप क्वांटम फिजिक्स से पूछो ये इंटेंगल कैसे हो जाता है क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो बार बार योग सूत्र गीता आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे ये इंटेंगल कैसे हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है कि कुछ पार्टिकल आपस में इंटेंगल हो जाते हैं कुछ नहीं होते है? क्या डिसाइड करता है तो क्वांटम फिजिक्स कहता है वेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन स्पेसिफिक वे जब दो पार्टिकल एक दूसरे से पार्टिकल का मतलब फिर से हम रिपीट करें माइक्रो से माइक्रो एग्जिस्टेंस का एलिमेंट जो कहें पार्टिकल है जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बातें करते हैं कनेक्ट बात इंटरेक्ट करते हैं ठीक बातें कहने का तरीका है दे डोंट टॉक ठीक बट लैंग्वेजेज आर डिफरेंट व्हेन दे इंटरैक्ट इन ए स्पेसिफिक वे देन अगर आप उनसे पूछो ये स्पेसिफिक वे का क्या मतलब है तो कहेंगे वेन द कोलाइट और दे कम क्लोज जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से खट से तो इंटेंगल हो जाते हैं कई बार खट साटक जाए फिर आप कहीं भी ले जाइए जो इंटेंगल हो गए एक को इधर रखिए करोड़ों किलोमीटर दूर फिर भी वो घूमेगा ये भी घूम जाएगा वेन द कोलाइट या फिर वेन द कम क्लोज क्वाइटली बताइए क्या याद आ रहा है योग सूत्र में जब आप कोलाइड करते हैं या फिर जब आप क्लोज आते हैं तो इंटेंगल हो जाते हैं पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं इतना गहरा अटैचमेंट है बताइए कैसे अटैच हो जाते हैं कोलाइड मतलब क्या याद आ रहा है आपको याद आ रहा है आपको राग और द्वेष पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं भिड़ जाते हैं ठीक तो इंटेंगल हो जाते हैं द्वेश कम क्लोजर राग तो भी इंटेंगल हो जाते हैं और इंटेंगल होते ही इनकी एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है इसीलिए हम हमेशा कहते हैं दुश्मनी भी बहुत सोच समझ के करो आप उससे जिंदगी भर के लिए इंटेंगल हो जाओगे लोग जिनसे जलते हैं जिनमें जेलसी होती है उससे आप इंटेंगल्ड हो बहुत गहरा नाता है ये प्रेम और द्वेष दोनों बड़े गहरे नाते हैं उधर वो कुछ होगा और उधर आपका भी मूड घूमेगा व्यक्ति का मूड उनके दुश्मनों के मूड पर निर्भर करने लगता है इसलिए बहुत सोच समझ के बनाइए नहीं तो आप भी क्वांटम इंटेंगलमेंट में जाने वाले ठीक इससे एनर्जी एक्सचेंज होने लगती है क्वांटम फिजिक्स कहता है जब दो लोग कोलाइड और क्लोज होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है क्या प्रेम में नहीं होती या क्रोध में नहीं होती द्वेष में नहीं होती फोर्स एक्सचेंज होते हैं स्पिन एक्सचेंज होती है पोजिशन एक्सचेंज होती है मोमेंटम एक्सचेंज होता है आप जिसको प्रेम करते हैं खूब मेहनत कर रहा है उसका मोमेंटम आप तक आ जाएगा वो स्पिन कर रहा है घबरा रहा है आप घबराने लगे ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको ठीक इट्स एट जितने शब्द हमने बोले हैं ये सब क्वांटम फिजिक्स सो एक्सचेंज हो जाता है मोमेंटम का फोर्स का स्पिनिंग का क्वांटम इंटेंगल होता है फिर व्हेन पार्टिकल्स डोंट इंटरेक्ट इन अ सिग्निफिकेंट वे तब वो इंटर तो वो इंटेंगल तो नहीं होते इंटेंगल जब आप बहुत सिग्निफिकेंट वे राग द्वेश ना करें तो आप इंटेंगल नहीं होंगे ठीक है पर आपने राग द्वेष किया तो आप इंटेंगल हो जाए क्लियर है सो दिस इज हाउ किस से इंटेंगल होना है आपको यह भी आपकी चॉइस होनी चाहिए कई लोग सत्संग से इंटेंगल होते हैं कई लोग अच्छे लोगों से इंटेंगल होते हैं तो कई ये परेशान होते हैं उधर वो मुस्कुराते हैं ये मुस्कुराने लगते हैं। क्योंकि हम लोग क्वांटम इंटेंगल से जुड़े हुए हैं आप किससे इंटेंगल होते हैं किसको इतना महत्व देते हैं इंटेंगल होने के लिए आपका क्वांटम इंटेंगलमेंट किस व्यक्ति से है क्या जिस व्यक्ति से क्वांटम इंटेंगलमेंट आपका है वो आपको प्रसन्नता देता है आपको डेवलप करता है आपको आध्यात्मिक रूप से उच्च बनाता है ठीक और अगर बनाता है तो ये तो बहुत अच्छा इंटेंगलमेंट सीखिए आगे बढ़िए और अगर आपका सही जगह इंटेंगलमेंट है तो देर इज वन मोर कंसेप्ट डी कोहरेंस अलग कब हो जाते हैं जब व्यक्ति जब वो जो पार्टिकल है वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत इंट्रैक्ट करने लगता है तो उसका डी कोहरेंस हो जाता है मतलब तो ये दोनों आपस में इंटेंगल्ड हैं अब ये जो है ये अपने इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है तो धीरे धीरे ये खत्म होने लगेगा कोहरेंस खत्म हो जाएगा डी कोहरेंस ठीक इसका क्या मतलब है अब जब आप सात्विक लोगों से इंटेंगल्ड हैं तो जगत से ज्यादा इंटरैक्ट मत कीजिए बहुत ज्यादा इंटरक्ट करेंगे आप जगत से तो डिसेजमेंट हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हर तरफ यही चलता है अब पिंड का मतलब वो जो इतना माइक्रो पिंड है उसके लिए तो हम स्वयं ब्रह्मांड है हम नहीं है क्या ब्रह्मांड सो so यही चीजें माइक्रो पिंड पे भी लागू होती हैं यही चीजें हर जगह लागू होती हैं दे फॉल इन ऑल द प्लेसेस वही मैथमेटिकल लॉज हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं और जो हमें गवर्न करते हैं ठीक जो माइक्रोकॉजम में यथा पिंड तथा ब्रह्म जो यहां है वही वहां है यमराज ने कहा जैसे माइक्रोकॉजम में क्या होता है वी हैव माइक्रोकॉजम उसमें जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है ऐसी गैलेक्सीज होती हैं, उसमें भी तो सब घूम रहा है जैसे सेल सेल में घूम रहे हैं सब चीजें एटम जैसे घूमता है वैसे ऊपर सब कुछ घूम रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे प्रोडक्शन इन सेल्स होता है ऐसे ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोस में होता है चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसी तरह से जो माइक्रो लेवल पे हो रहा है एग्जैक्टली exactly, वैसा ही अलग फॉर्म में अलग लेवल पे मैक्रो लेवल पे भी हो रहा है सो so, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यमराज ने कहा जो यहां है वही वहां है और जो वहां है वही यहां है और आज के विज्ञान के युग में यमराज की बातें और प्रासंगिक महसूस होती और इसी को भगवान कृष्ण ने भी कहा अब इसके आगे हो क्या कहते हैं यमराज इसी मंत्र में जो मनुष्य इस तत्व में नाना तत्व देखता है वह एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है मृत्यो स मृत्युम आपनोती यह नानेव पश्यती जो व्यक्ति इस तत्व में नाना तत्व को देखता है इसका क्या मतलब है जो व्यक्ति डिवीजन को देखता है वो डेथ को प्राप्त होता है डिवीजन लीड्स टू डेथ एंड डिजास्टर डिवीजन से डिजास्टर हो। और जो एक तत्व को देखता है यमराज कह रहे हैं वो शांत रह पाता है वो अमृत की तरफ जाता है द्वैत मतलब डिवीजन दो है जितना आप डिवीजन देखेंगे जब दो होंगे तो कंपैरिजन होगा कंपटीशन होगा करप्शन होगा आगे बढ़ने के लिए कैजुअलिटी होगी एक दूसरे को आप हाफ कराएंगे पहुंचाएंगे आप बाइबल की कहानी यहीं से तो शुरू होती है बाइबल की एक पिता माता के दो संतान है एक बच्चा दूसरे बच्चे से जेलस फील करने लगा जब वो जेलस फील करने लगा तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की हत्या कर दी अब जब हत्या हो गई क्राइम हो गया ऐसी शुरुआत हुई शुरुआत क्यों हुई द्वैत से भी यही से बाइबल शुरू होती है पहली कहानी बाइबल की है हम टॉलरेट नहीं करते हैं एक दूसरे को So, इसीलिए यमराज कह रहे हैं जो इस तत्व में नाना तत्व देखता है फिर वो गलत रास्ते पे चला जाता है अगर आपने यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का लोगो देखा हो तो उसमें चौदह पंखुड़ियां हैं वो जो चौदह पंखुड़ियां हैं वो चौदह लिमिटेड आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करती है वो जो नाना तत्व को रिप्रेजेंट करती है कास्ट क्रीड रेस जेंडर नेशनैलिटी रिलीजन स्टेटस वेल्थ, स्पीशीज इतनी सारी अलग अलग सेक्स ओरिएंटेशन, ये जो डिवीजन को देखेगा और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का जो कमल है वो बता रहा है कि इन सब के बीच में अगर आप बिल्कुल बीच में उस कमल में देखें तो उसमें प्रकाश है लाइट है वाइटनेस है एक तत्व की बात वो करता है वो सारी पंखुड़ियां नीचे जाके एक हो रही वो ये बता रहा है लोगों ये जितना अंतर आपको दिख रहा है ये ऊपर है सुपरफिशियल है अगर आप नीचे जाएंगे तो सब एक ही सोर्स से शुरू हुआ यही विज्ञान क्वांटम फिजिक्स सब यही बताता है इसीलिए कुछ ही लोग देख पाते हैं सब में एक बाकी सब अनेकत्व को देखते हैं और जो अनेकत्व को देखते हैं नाना प्रकार को देखते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं ठीक फिर यमराज आगे बता रहे मंत्र ग्यारह में ये कैसे देखें फिर अभी हमने फिलोसफिकली नहीं हमने वैज्ञानिक रूप से जाना कि हम सबका सोर्स एक है ये बिल्कुल वैसा है आपके दो बच्चे हैं उन बच्चों को आज आप इतना प्रेम करते हैं और वो बच्चे इतने खुश हैं एक दूसरे के साथ कुछ समय बाद ये बच्चे आपस में लड़ने लगेंगे उनके बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे उनके बच्चे और उनके बच्चे के उनके बच्चे एक दूसरे के प्राण लेने को तुल जाएंगे यही तो इस धरती के साथ हो रहा है बस अंतर है कितनी जनरेशन के बाद एक दूसरे के प्राण लेने पर तुल तो जाएंगे पर माता पिता तो एक ही थे डिवाइड होते चला गया परिवार क्यों क्योंकि हमने डिसीजन देखा तो क्या करें फिर लॉजिकली तो अभी विज्ञान ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि सोर्स एक है कॉमन डिसेंट है फिर भी लॉजिकली समझता हूं पर फिर भी नहीं जीता हूं उसको ऐसा क्यों तो यमराज कह रहे हैं ग्यारहवें मंत्र में मनसा एव इदम आप्तव्यम मन के द्वारा ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है ये फैक्ट का विषय नहीं है फील का विषय है आपको गहरा उतरना पड़ेगा तीक्ष्ण विवेक से देखना पड़ेगा मेडिटेट करके उसे महसूस करना पड़ेगा यमराज आगे कह रहे हैं आ रीडिंग द मंत्रा व्हाट वॉट यमरा सेड मन के द्वारा ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है इसमें अनेकत्व कुछ भी नहीं है ना इह, नाना अस्तिकिंचन नाना प्रकार नहीं है अनेकत्व कुछ भी नहीं है जो पुरुष इसमें नाना तत्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है दो बार ये बात रिपीट की नाना तत्व नहीं है पर जो नाना तत्वों को देखता है मृत्यो स मृत्युम गश्यति यह इव नानेव पश्यति पहले भी कहा था मृत्योह स मृत्युम आपनोती यह इव नानेव पश्यति बार बार यमराज कह रहे हैं जिसमें भी द्वैत देखा डिवीजन की बात की वो डेथ को कॉल करेगा बस समय की बात है जो तोड़ने की बात करेगा वो मृत्यु को आमंत्रित करेगा कौन कह रहा है ये स्वयं यमराज कह रहे इसमें अनेकत्व कुछ भी नहीं है पर ये बात मन से समझे जाने वाली है बायोलॉजी की रिसर्च कह दे वहां से बात खत्म नहीं होती क्योंकि दो लेवल पे चेंजेस होते हैं एक तो कागज पे साइन कर दीजिए स्ट्रोक ऑफ पैन इजी है लॉर्ड विंडियम विलियम बेंटिक ने साइन किया सती प्रधा समाप्त खत्म हो गई क्या सती प्रथा ऐसे थोड़ी समाप्त थो। बिहेवियरल चेंज इंपॉर्टेंट है तो चेंज केवल कागज के टुकड़े पे नहीं होता व्यवहार में चेंज होना चाहिए समाज में वो परिवर्तन दिखना चाहिए वो मुश्किल होता है क्योंकि उसे मन से मानना जरूरी है कि सब समान है सब बराबर है सती प्रथा खत्म करने से छुआछूत खत्म करने से बात थोड़ी हो जाएगी खत्म कानून बना देने से भी बात नहीं हो जाएगी जाति प्रथा इस तरह से गंदी कुरुति की तरह इस देश की रग रग में बसी है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये तोड़ती है देश को अगर आप विराट रूप में देखें छोटे रूप में ही आपको फायदा पहुंचा सकते पर बड़े रूप में आप देखेंगे तो समग्र रूप से ये देश को तोड़ देगी दुनिया को तोड़ देगी तो स्ट्रोक ऑफ पेन नहीं बिहेवियरल चेंज से चेंज होना चाहिए यमराज कह रहे हैं मन से समझने वाली बात यूनेस्को जो है यूएन का जो विंग है उसकी प्रस्तावना की एक लाइन आपको पढ़ के सुनाते हैं आपको यमराज की याद आएगी क्योंकि युद्ध मानव मस्तिष्क में शुरू होता है इसीलिए शांति रक्षा के उपकरण भी मानव मन में ही निर्माण करने होंगे युद्ध कहां शुरू होता है सबसे पहले तो शांति कहां शुरू होगी सेजु यूनेस्को मन से प्रारंभ होगा ठीक रामकृष्ण परमंश कहते हैं ज्ञान एकात्मा दर्शाता है और अज्ञान विविधता दर्शाता जितना ज्ञान हो विविधता होती जाएगी चलिए विविधता में डाइवर्सिटी इज परफेक्टली फाइन डिवीजन इज रॉन्ग डाइवर्सिटी तो बहुत अच्छी है पर जब आप उसमें यूनिटी भी देख सकते हैं तो डाइवर्सिटी सुंदर है एक सूफी बड़ी सुंदर कहानी है तो जश्न मनाया जा रहा था एक शहर में बहुत बड़ा जश्न था तो सूफी कहानी या इसी तरह प्राचीन ग्रंथों में पढ़ने आई पढ़ने में आई सूफिज्म की ना भी हो शायद पर कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है तो जश्न हो रहा था एक व्यक्ति आया वहां बाहर से दूसरे शहर से उसने पूछा क्या हो रहा है तो जानकारी मिली भगवान का जन्मदिन है जन्मदिन मनाया जा रहा है सब जश्न में लगे हुए थे एक भगवान निकले उस भगवान के पीछे हुजूम चला नगाड़े बजे ढोल बजे शंखनाद हुए वो भगवान आगे बढ़े थोड़ी देर में दूसरे भगवान भी आए उनके पीछे सफेद कपड़े पहन के बहुत सारे लोग चले प्रेयर हुई बहुत सारे सॉन्ग्स गाए गए स्तुतियां हुई वो भगवान भी आगे बढ़े उसके बाद एक और भगवान आए उनके पीछे हरे कपड़े पहन के लोग चल रहे थे वहां भी अजाने दी गई वहां भी नमाजें पढ़ी गई वो आगे चल फिर एक और भगवान आए उनके पीछे कृपाण था शस्त्रधारी भी थे वो भी आगे गए फिर एक और भगवान आए उनके पीछे भी बहुत सारे लोग चल रहे थे जिनमें से कई लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए हुए थे कई लोगों ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे फिर एक और भगवान आए उनके पीछे बहुत सारे भिक्षुक चल रहे थे जिन्होंने सर से बाल हटा रखे थे एक एक करके सारे भगवान आगे थे, थे पूरी शोभा यात्रा फिर आखिरी में एक व्यक्ति भी धीरे धीरे बिल्कुल लीन एंड थिन वो चलता हुआ आ रहा था तो जो बाहर से व्यक्ति आया था उसको बड़ा अजीब लगा देख के सारा जुलूस तो जा चुका है उसने बोला भाई आप कौन दो और आप तो बिल्कुल उन्हीं के पीछे पीछे उसी रास्ते पे चल रहे हो तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा के बोला मैं ब्रह्म हूं मेरे पीछे कोई नहीं चलता मेरे पीछे कोई नहीं चलता सब मेरे रूपों के पीछे हैं मुझे तो कोई देखता ही नहीं है वो मेरे ही रूप ये सपना देखते ही वो व्यक्ति घबरा के उठ गया वो जो संत था और जो भी ये जानता है वो घबरा के उठ जाता है क्योंकि ये सही है अगर आप देखेंगे तो हम मैसेंजर्स को फॉलो कर रहे हैं ब्रह्म को नहीं भगवान को फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर आप और गहराई से देखें हम मैसेंजर्स को फॉलो कर रहे हैं। हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग द मास्टर्स राधर देन मास्टरिंग द वैल्यूज हमने लोगों को बहुत महत्व देना चालू किया मूल्यों की तुलना में क्योंकि वैल्यूइंग द मास्टर सरल है पूजा कर लीजिए आरती कर लीजिए उनके नाम पे कुछ चढ़ा दीजिए वो बड़ा सरल है उसकी अंधभक्ति की जा सकती है मास्टर की बट मास्टरिंग द वैल्यूज़ कठिन है राम जैसा जीना होगा कृष्ण जैसा जीना होगा वो बहुत कठिन है सरल क्या है राम की पूजा करना सरल है वेन यू मास्टर द वैल्यू तो आंखें खोलनी पड़ती बट वेन यू वैल्यू द मास्टर तो आंखें बंद करके भी पूजा हो सकती अंध अंधभक्ति की जा सकती वी फॉलो मास्टर रादर वी शुड फॉलो द मैसेज क्योंकि जब आप केवल मास्टर की ही पूजा कर रहे हैं तो आप बिना बदले भी उनकी पूजा कर सकते हैं पर जब आप मैसेज को फॉलो कर रहे हैं तो बिना बदले फॉलो करना मुश्किल है जब आप मास्टर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पर जब आप मैसेज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे जब आप मास्टर को फॉलो कर रहे हैं तो मास्टर के रहने तक तो सब ठीक रहेगा पर जिस दिन मास्टर चले गए उस दिन सब ढह जाएगा बहुत बार हुआ ऐसा। बड़े बड़े धर्म टूट गए मास्टर्स के जाने के बाद क्योंकि जब तक मास्टर हैं वो इतने कृपावान हैं कंपैशनेट हैं कि आपको रेडीमेड सॉल्यूशन दे सकते हैं आप समस्या लाइए समाधान दे देंगे पर मैसेज आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना सिखाता है ताकि मास्टर के जाने के बाद भी आप ठीक रहे यू शुड नो हाउ टू कुक ये सिखाता है मास्टर के फॉलो फॉलोइंग में लोग मानते हैं कई चीजों जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो आप जानते हैं इसलिए कई बार मास्टर के जाने के बाद द्वैत का खतरा हो सकता है क्योंकि मास्टर की बात ना सुनी जाए यही किया महान गुरुओं ने उन्होंने ग्रंथ पढ़ा है सीधे ग्रंथ है। आप ग्रंथ पढ़िए आप जानिए इस देश में सर्वश्रेष्ठ क्या प्रकट हुआ अपनी समस्याओं का आप स्वयं समाधान ढूंढने लगेंगे सही गुरु समाधान नहीं देता आपको तैयार करता है कि आप स्वयं उन समाधानों को ढूंढ लें जब आप स्वयं अपने समाधान ढूंढ लेते हैं गुरु का काम समाप्त जाता है यही केरल में अभी हम केरल थे कल नारायण गुरु ने किया वहां केरल में उन्होंने स्क्रिप्चर पढ़ा है वो लोअर सो so कॉल्ड लोअर कास्ट से आते थे उन्होंने स्क्रिप्चर पढ़ा है लोगों में जागृति आई और जिन जिन ने ग्रंथ पढ़े उनको पता पड़ा अच्छा ग्रंथ में तो ये लिखा है हम तो यू लड़ते थे हमें तो बोला गया था इस सब किताबों में लिखा है हमें तो व्हाट्सएप या ज्ञान में हम पढ़ते थे फिर को आप किसी पर निर्भर नहीं करेंगे नारायण गुरु ने शास्त्रों के ही मंत्र उठा के उन लोगों के मुंह पे मारे जो शास्त्रों का नाम लेके जाति प्रथा फैलाते थे आज कितना बड़ा नाम है केरल में नारायण गुरु का कितना सम्मान है आदि शंकराचार्य के बाद अगर आप किसी का नाम लेना चाहेंगे अद्वैत वेदांत में तो जरूर आप नारायण गुरु का लेंगे यही मार्टिन लूथर किंग ने किया शास्त्र पढ़े पढ़ाए लोगों को बताए ये बाइबल में ये लिखा है यही विवेकानंद ने किया शास्त्र पढ़ा है यही शंकराचार्य ने किया यही स्वामी चिन्मयानंद ने किया यही दयानंद सरस्वती ने किया यही महर्षि दयानंद ने किया यही वेद व्यास ने किया शास्त्र पढ़ाई डायरेक्टली पढ़ी है। कोई शॉर्टकट नहीं यही आपको अपने बच्चों के साथ करना है समाधान मत दीजिए उन्हें तैयार कीजिए स्वयं समाधान ढूंढने से आत्मबल बढ़ता है देखने का नजरिया बढ़ता है भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में इस धरती पे तीन तरह के लोग हैं तीन तरह के ज्ञान है लोगों के दिमाग में सुनिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है सात्विक ज्ञान किसका है कैसे आप जानेंगे कि जो मैंने पढ़ा है जो मैंने जाना है वो सात्विक है कि नहीं मंत्र गीता अध्याय अठारह श्लोक बीस याद कीजिए सुनिए सात्विक ज्ञान की परिभाषा आप किसी भी स्कूल से जा रहे हैं किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं ये वो बता रहे हैं कि क्या ज्ञान सात्विक है जो आप सीख रहे हैं सुनिए सात्विक ज्ञान की परिभाषा सेज यू कृष्णा हिमसेल्फ आई एम कोटिंग डायरेक्टली शास्त्रों से वह जिससे कभी भी वह न होने वाली सत्ता सभी वस्तुओं में दिखती है वो ज्ञान जिससे कभी खत्म ना होने वाली सत्ता शक्ति सभी वस्तुओं में दिखती है जब आप सभी वस्तुओं में उसी एक सत्ता को देखते हैं जो कभी खत्म नहीं होती जो अमृत है आगे सुनिए व्यक्त रूप में विभक्त दिखने वाली वस्तुएं अविभक्त दिखने लगती हैं। डिविजन यूनिफिकेशन के रूप में दिखने लगती है उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं कितना सुंदर परिभाषा है आप किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले क्या इससे आपको सभी में वो कभी ना समाप्त होने वाली सत्ता दिखती है और क्या आपको डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखती है अगर हां तो आपका ज्ञान सात्विक है आप बैठे हैं अपने घर में दस लोग दस तरह की बातें कर रहे हैं क्या आप कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करके रास्ता निकाल सकते हैं तो आपका ज्ञान सात्विक है दस लोग अलग अलग संप्रदाय की बात कर रहे हैं क्या उनके बीच के कॉमन फैक्टर जो सब सहमत हो वो निकाल के उस पर विचार कर सकते हैं तो आपका ज्ञान साथ फिर राजसिक ज्ञान क्या है आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हो राजसिक ज्ञान कृष्ण बताते हैं एटीन पॉइंट टू वन वह जिसमें सब पदार्थों में विविध प्रकार की परस्पर भिन्न वस्तुएं दिखती हैं उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान अगर आपको डिवीजन दिख रहा है तो आपका ज्ञान कौन सा है राजसिक है सात्विक ज्ञान नहीं है आपका अगर आप डिविसिव भाषा का यूज कर ज्ञान किन के पास है आप देखिए हमने विश्वविद्यालयों में जो हम पढ़ाते हैं यह सच है कि हर साइंस को अलग से पढ़ाया जा सकता है पर अब इंटीग्रेटेड स्टडीज की शुरुआत हुई क्रॉस फंक्शनल स्टडीज जहां सारी स्टडीज मिलती है वो पढ़िए शुरुआत हो चुकी है कई विश्वविद्यालयों में पर कृष्ण कब से क्या है आगे बढ़े तामसिक ज्ञान क्या है वह ज्ञान जो एक ही परिणाम तक इस प्रकार संकुचित है सुनते जाइए क्या सुंदर बात है वह ज्ञान जो एक ही परिणाम तक इस प्रकार संकुचित है कि मानो वही सर्वस्व हो पहली फीचर बस मैं सही यह तामसिक ज्ञान है आगे आगे कृष्ण क्या रहे हैं। जिसको बुद्धि का आधार नहीं जो लॉजिकल बात नहीं करते तर्क एंटरटेन नहीं करता कोई तार्किक प्रश्न पूछ ले उससे तो गुस्सा हो जाएगा अरे आपने ईश निंदा कर दी हमारे भगवान की बेइज्जती कर दी रियली really? भगवान की बेइज्जती हो सकती है अगर तर्क है तो उत्तर दीजिए तर्क को तर्क से काटिए क्रोध से नहीं सत्य की भूमि नहीं कृष्ण आगे कह रहे हैं जो फैक्चुअली भी सही ना हो लॉजिकली भी गलत हो फैक्चुअली भी सही ना हो उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। ठीक व्हाट्सएप पे आ गया मैंने पढ़ लिया गीता में ऐसा लिखा है बस अब मैंने मान लिया ना मैंने उसका रेफरेंस चेक किया हम क्यों बोलते रहते हैं एटीन पॉइंट टू टू ये हमें मजा नहीं आता बोलने में ताकि आप लोग भी आगे पढ़ना चाहें तो आप खोलिए किताब पढ़िए लिखा है उसमें हम मन से नहीं कह रहे हम तो पोस्टमैन है हम तो, तो डाकि तो जो सोचता है बस मैं सही माईवे और हाईवे बाकी सब धंधु में जाएंगे ये गलत विचार है बाकी सब नरक में सड़ेंगे ये गलत विचार है ये कंडेम करने लायक बात है ये तामसिक ज्ञान है तो ये कैसे समाज का पतन होता है पांच स्टेप्स पहला मैं सही स्टेप वन मैं सही तुम भी सही एकम एक सत्य विप्रा बहुधी सत्य एक है हम अलग अलग भाषाओं में उसी को कह रहे हैं प्रेम से रही एक दूसरे से फिर होती है स्टेप टू मैं सही तुम्हारा पता नहीं आई डोंट नो नो ओपिनियन अबाउट यू स्टिल यू कैन रिमेन हैप्पीनेस हैप्पीली रह सकते हैं आप मैं सही तुम्हारा पता नहीं आई कैन लीड विथ अदर्स फिर आती है स्टेज थ्री मैं सही अब यहां से मुश्किलें शुरू होती मैं सही तुम गलत यहां से अंदरस शुरू होता है ठीक पूरी दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए फिर आती है स्टेज फोर मैं सही और तुम भ्रष्ट क्योंकि जो मैं कह रहा हूं बस वो सही उसके अलावा सब दस लोग जो इस रास्ते पे जाएगा बस वही <laughs> स्वामी विवेकानंद से एक धर्मांध व्यक्ति ने बोला कि स्वामी यू नीड टू फॉलो जीजस बाइबल और एल्स यू विल गो टू हेल ओनली स्वामी जी गंभीर हो गए उसकी बात सुन स्वामी जी ने पूछा एंड एंड वेयर विल यू गो आप कहां जाओगे तो उसने मुस्कुरा के बोला आई विल सटनली गो टू हेवन तो फिर स्वामी जी ने विनम्रता से बोला अगर आप हेवन जाने वाले हैं और आपके ही जैसे लोग मुझे हेवन में मिलने वाले हैं तो हेल ही मेरे लिए ठीक है ठीक ऐसी धर्मांधता नहीं चल सकती कि बस ये रास्ता बाकी सब भ्रष्ट जन्म में जाएंगे ये गलत कॉन्फ्लिक्ट होगा मैं सही तुम भ्रष्ट और पांचवा मैं सही तुम मानो या मरो बस दो ही ऑप्शन है ईदर कन्वर्ट और यू विल वायलेंस हर व्यक्ति और किसी भी जाति धर्म लिंग वर्ण का हो उसका दायित्व है कि ऐसे विचारों को कंडेम करें भले वो आपके धर्म से आते हो या किसी और के धर्म से ऐसा नहीं होता ऐसी दुनिया नहीं चल सकती रामकृष्ण परमंश कहते हैं ईश्वर अनंत है और उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है अनंत मार्गों से आप उस एक तक पहुंच सकते हैं तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि होता यह है कि जो मास्टर ने मैसेज दिया वो मैसेज के साथ तीन चीजें समस्या हो जाती है क्या प्रॉब्लम मैसेज तो ट्रांसफॉर्म कर ही सकता है क्योंकि मैसेज ने मास्टर को ट्रांसफॉर्म किया पर समस्या क्या हो जाती है हमें वो मैसेज क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाता जिस मैसेज ने मास्टर को ट्रांसफॉर्म किया वो जो मैसेज मास्टर ने दिया था उसके साथ तीन प्रॉब्लम्स हो प्रॉब्लम पहला लॉस्ट इन ट्रांजिशन ए ने बी को बोला बी ने सी को बोला सी ने डी को बोला डी ने एफ को बोला और तो फाइनली कई बातें तो छूटी गई मैनेजमेंट गेम में नहीं होता इसने इसके कान में कुछ बोला उसने उसके कान में कुछ बोला उसने उसके बोला, बोला और जब वो सेंटेंस खत्म आखिरी वाले व्यक्ति ने सेंटेंस फिर से बोला पूरे ही बदल गया था तो कई तो हजारों सालों के ट्रांजिशन में लॉस्ट इन ट्रांजिशन हो जाता इसलिए भी व्यक्ति नहीं समझ पाता वो जो मैसेज था ओरिजिनल इसीलिए आप देखोगे कि कई चीजें अजीब मिलेंगी आपको कई ग्रंथों में ये बीच में जोड़ी गई है शुरुआती तौर पे नहीं था आई सीरियसली डाउट उत्तर रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है आई वेरी सीरियसली डाउट उत्तर रामायण में जिस तरह की बातें सीता जी के प्रति राम जी के माध्यम से कही गई हमें नहीं लगता कि वो रामचरित से जुड़ी हुई है कौन जाने लॉस्ट इन ट्रांजिशन जो बाद में अंतिम चैप्टर जो है रामायण का तो सॉरी रामचरित मानस का जो अंतिम चैप्टर है वो अगर आप देखें तो आई सीरियसली डाउट कि वो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर से ही लिया हो गया सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कई बार लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में भी लॉस्ट हो जाता है अब चित्त का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है अहंकार को ईगो बोल दिया फिर भी वो भी परेशानी हो जाती है तो भी मैसेज नहीं कम्युनिकेट हो पाता तीसरी समस्या टेक्निकल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड भी लोगों की अलग अलग होती है समझा तो रहा है व्यक्ति पर लोगों की समझने की भी क्षमता होती है तो ट्रांजिशन ट्रांसलेशन और टेक्निकल एबिलिटीज इन तीनों के कारण नो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता ठीक इन तीनों में हम सुधार करें तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ठीक इसीलिए लीने शुरू की शंकराचार्य परंपरा से पढ़िए जब आप परंपरा से पढ़ेंगे तो ट्रांसिशलेशन में लॉस नहीं हो रहा ट्रांजिशन में भी लॉस नहीं हो रहा वो परंपरा पूरी उल्कुल वो फाइबर ऑप्टिक लगी हुई है शंकराचार्य से यहां तक तो आप बिल्कुल डेटा लॉस नहीं करेंगे बीच में ठीक सिग्नल लॉस नहीं होगा आप पर अगर आप दाएं बाएं कहीं से भी पढ़ लेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है जितने स्क्रिप्चर्स थोड़ा बहुत हम जान पाए उससे हमें यही यमराज बार बार क्या कह रहे हैं आप मृत्यु से मृत्यु की ओर जाओगे मृत्यु से मृत्यु की ओर जाने का यमराज का क्या मतलब है जब आप इस तरह से डिविशिव दुनिया में रहोगे तो क्या होगा क्या होगा डिविशिव दुनिया में रहने के बाद कोई भी ज्ञान किसी भी तरह का ज्ञान अगर आप पूरे स्क्रिप्चर्स को देखें तो हमें मे, मेजरली तीन बातें लगती है पहली अगर आप ये तीन चीजों को हटा दें तो दुनिया में तुलनात्मक तो बड़ी बेहतर समझ विकसित हो सकती है पहला जन्म के पहले क्या होता है इस पर बात न करें ज्यादा उसमें सारे ग्रंथ अलग अलग बातें कह रहे हैं दूसरा मृत्यु के बाद क्या होता है जलाना है दफनाना है क्या कराना है उस पर ज्यादा बात मत कीजिए जब कोई व्यक्ति बहुत ही परिपक्व आपसे मिल जाए तो बात कीजिए नहीं तो मत कीजिए डोंट टॉक तीसरा कभी भी मैसेंजर को मैसेज से ज्यादा महत्व मत दीजिए मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैसेजर्स ठीक तो तीनों बातें तो क्या करें वननेस बढ़ाने के लिए जब भी किसी से बात करें शायद भगवान बुद्ध ने ये बात इसीलिए उन्होंने आत्मावात्मा पे ज्यादा बात नहीं की ऐसा नहीं वो जानते नहीं थे शायद सामने जो लोग रहे होंगे वो समझने की स्थिति में नहीं थे तो बुद्ध ने क्या बातें की जन्म के बाद क्या होता है वो सुनो मुझसे मृत्यु के पहले क्या होगा वो मुझसे बात करो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद की बात छोड़ दो क्योंकि शायद बुद्ध कह रहे हैं तुम एलिजिबल नहीं हो और यही बुद्ध ने कहा मैसेज इंपॉर्टेंट है मास्टर नहीं मेरी पूजा मत कर लेना कहीं कोई मैटर नहीं करता मैं आया हूं कहीं और आएंगे मेरे बाद मैसेज इंपॉर्टेंट है शास्त्र पढ़ाए जाए आप अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाइए तर्क की अनुमति दी जाए प्रश्न की अनुमति हो और सिंथेसिस अनिवार्य हो आप सिंथेसिस करके आइए तरीका क्या होना चाहिए शास्त्रों के साथ रेस्पेक्ट ऑल सबको रेस्पेक्ट सस्पेक्ट ऑल ऐसा नहीं कि गीता पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता या किसी ग्रंथ पे नहीं उठाया जा सकता अरे हम मानव हैं उस परमात्मा की संतान है नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन पूछेंगे भाई और गीता तो प्रश्न ही है उपनिषद तो प्रश्न ही तो है और क्या है तो रेस्पेक्ट ऑल सेकंड सस्पेक्ट ऑल थर्ड इंस्पेक्ट ऑल और चौथा देन एक्सेप्ट ऑल फिर सबको स्वीकार कीजिए इस छन्नी से निकालिए यही यूरोप में हुआ ज्ञान का संश्लेषण हुआ कई लोग कहते हैं जब भारत इतना ताकतवर था तो यूरोप इतना ताकतवर कैसे हो गया हम गुलाम कैसे बन गए इसी कारण बने यूरोप में हमसे पहले रिफॉर्मेशन आ गया उन्होंने ज्ञान का संश्लेषण शुरू किया उन्होंने बाइबल पर प्रश्न परमिट किए नहीं तो एक जमाना यूरोप में ऐसा था कि आप पूछ नहीं सकते थे गैलीलियो कॉपरनिकस कॉपरनिकस ने पहली बार बोला कि भाई वो धरती घूमती है सूरज के आसपास उसके सारे काम को बैन कर दिया गया उसको क्या यातनाएं नहीं मिली ने गैली शताब्दी में बोला यही बात की पृथ्वी घूमती है अरेस्ट कर दिया उसको डार्विन ने कहा कि हम कोई भगवान से पैदा नहीं हुए हम बंदर से पैदा हुए उसका डायवोर्स तक हो गया सोशल बायकॉट हो गया उसका ये सब सही बातें कह रहे थे थी? एक ब्रूदो नाम के विद्वान थे उन्होंने कहा भाई यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है केवल धरती नहीं है उस जमाने बाइबल मानती थी केवल धरती ही सब कुछ है जिंदा जला दिया गया उस आदमी को सुक्रात को जहर दे दिया गया क्योंकि उसने ग्रीक गॉड्स को क्वेश्चन कर लिया था स्पोनोजा ऐसा विद्वान जो आइंस्टाइन का रोल मॉडल था उसने इतना कह दिया कि भाई गॉड तो नेचर में है प्रकृति के जर्रे जर्रे में खुदा है उसका बायकॉट कर दिया मंसूर ने कहा खुदा है मैं खुदा हूं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए सिख गुरुओं पे अत्याचार हो गए मीरा को जहर दे दिया जीसस को सूली चढ़ा दिया ऐसी स्थितियों से गुजर के तो फाइनली हम उस स्थिति तक पहुंचे जहां ज्ञान का संश्लेषण हो सके इसलिए यूरोप में रिफॉर्मेशन हो फिर उस ज्ञान से विज्ञान का जन्म हुआ रनसा आया मशीनें आई पावर आई यूरोप के पास उसी अपार शक्ति से यूरोप ने दुनिया को रूल किया किंतु यूरोप विज्ञान तो में इतना मुग्ध हो गया कि आध्यात्म से चूक गया इसलिए शक्ति तो प्राप्त कर ली यूरोप ने और उस शक्ति का उपयोग कहां करना है इसमें भ्रमित हो गया ज्ञान को जब आप संश्लेषण करेंगे तो उसके दो आउटपुट निकलते पहला विशुद्ध ज्ञान जो आध्यात्म है और दूसरा विशेष ज्ञान जो विज्ञान है आध्यात्म सर्च इनसाइड लक्ष्य बताता है विज्ञान सर्च आउटसाइड गाड़ी तैयार करता है उस लक्ष्य पे जाने के लिए तो यूरोप ने गाड़ी बना ली पर गलत दिशा में चल दिया यूरोप में भी एकीकरण किया जर्मनी का एकीकरण हुआ इटली का एकीकरण हुआ तो मशीनीकरण के बाद एकीकरण हुआ पर ये राष्ट्रों का एकीकरण था और मानवता का विभाजन था क्या मतलब जर्मन ग्रेट है बाकी सब खराब है इटालियन महान है बाकी सब यूजलेस है ऐसे थोड़ी हो अंततः क्या हुआ दो वर्ल्ड वॉर हुए मिलियंस ऑफ लोग मारे गए यमराज क्या कह रहे हैं मृत्यु से मृत्यु की ओर आप जाएंगे जो भी व्यक्ति इस प्रकार विचार करेगा वो मृत्यु से मृत्यु की ओर बढ़ेगा इस बात को मन के द्वारा ही समझा जाने योग्य है अन्यथा आप मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं आप स्वयं भी एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो मृत्यु से मृत्यु की ओर जाती है और चारों तरफ इसी प्रकार की दुनिया सृजित कर देंगे सो so, एक ऐसी दुनिया मिलकर हम बनाए दोस्तों जिस दुनिया की यमराज बात कर रहे हैं यमराज ने इतनी सुंदर बात से इस सेशन की शुरुआत में यमराज ने कहा जो तत्व इस दे आदि में है वही अन्यत्र भी है जो अन्यत्र है वही इसमें भी है बड़े लॉजिकली वो समझा रहे हैं पर ये सब फैक्ट के बाद भी जो मनुष्य एक तत्व में नाना तत्व देखता है डिवीजन देखता है डाइवर्सिटी इज गुड पर डिवीजन देखता है वो मृत्यु से दूसरी मृत्यु की ओर जाता है वो अज्ञानी है बार बार जन्म लेगा और दुनिया को त्रास देगा हमने इस बात को अच्छे से समझा फिजिक्स के माध्यम से स्टेलर न्यूक्लियो सिंथेसिस के माध्यम से इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के माध्यम से हमने इस बात को समझा एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से टेबल के माध्यम से बायो केमिस्ट्री के माध्यम से क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से क्वांटम इंटेंगल के माध्यम से हर बार हमने समझा वो जो एक एटम में है वही हम में है जो हम में है वही पूरी यूनिवर्स में है इसीलिए फिर यमराज ने आगे कहा इस बात को समझने के लिए यह मन द्वारा ही ये तत्व प्राप्त करने योग्य है यह मन ही द्वारा इसको समझने योग्य है कि इसमें अनेकत्व तो कुछ भी नहीं है ना यह नाना अस्थि किंचन। जो पुरुष इसमें नापना तत्व देखता है वो मृत्यु से मृत्यु की ओर ही जाता है मृत्यु हो स मृत्युम गच्छती वो मृत्यु से मृत्यु की ओर ही जाएगी तो मृत्यु से मृत्यु की ओर किस प्रकार जाता है हमने देखा कि जब जब हम मैसेज को कम महत्व देते हैं और मास्टर को ज्यादा महत्व देते हैं जब जब हम जन्म से पहले और मृत्यु के बात पर ज्यादा फोकस देने लगते हैं दुनिया गलत दिशा में जाने लगती है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें मास्टर करनी चाहिए वो वैल्यूज इस तरह की बुद्धि जो सब में एक को देख पाती है सबको समान देख पाती है वही सात्विक बुद्धि है जो विभिन्त देखती है वो सात्विक बुद्धि नहीं है जो अविभक्त में भी विभक्त देखे वो सात्विक है जो अलग अलग दिखाए वो राजसिक है और जो संकुचित हो जिसका कोई तर्क ना हो जो सत्य ना हो वो तामसिक बुद्धि है और हम में से हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ें ताकि हम रेडीमेड सोल्यूशन ना ढूंढे हम गुरु के माध्यम से समाधान ढूंढने की जगह वो शास्त्र हमें समाधान दे और यही गुरु का भी कर्तव्य होता है आपको अपने समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना पर इसका तात्पर्य नहीं कि आप गुरु से प्रश्न ना पूछें आप प्रश्न पूछें और छोड़ दें वो आपके अंदर भी गूंजेगा गुरु के अंदर भी गूंजेगा एक पल अचानक आपको उसका उत्तर मिलेगा सडनली यू विल गेट इट रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल इंस्पेक्ट ऑल और जो जो स्वीकार्य हो एक्सेप्ट ऑल एक ऐसी दुनिया बनाए जहां हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं मैं सही तुम भी सही या कम से कम मैं सही और तुम्हारा पता नहीं तो हम प्रेम और प्रसन्नता से रह सकते और अगर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करता है मैं सही और तुम मानो या मरो मानो या मरो हम सबका यह मानवता का दायित्व है उसको कंडेम करें क्योंकि ईश्वर अनंत है उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है भले दर्शन अलग हो पद्धति अलग हो रास्ता अलग हो मसीहा अलग हो पर भगवान तो हम सबका एक है हम सब में वही राजा है धन्यवाद